दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो भारतीय करेंसी है यानी जो नोट है ना, उस पर गांधी जी की नोट अभी फोटो लगता था, उसके बगल में लक्ष्मी जी का, गणेश जी का भी फोटो लगना चाहिए। अच्छी है। हाँ, ये गलत है। क्यों गलत क्यों है? क्या जो कह देता हूँ वो तो सही है। सही है। क्या सही है? जो नेता कह रहा हो तो सही है। मतलब लगनी चाहिए। लगनी चाहिए। लग रहा है? लगनी चाहिए। अब नेता कह रहा तो लगेगा, वो तो कोई रोक नहीं सकता। और क्या? नहीं, वो तो प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, अपील करेंगे। जब करेंगे तो प्रधानमंत्री करेंगे ना, ये तो मुख्यमंत्री हैं। ये कह रहे हैं हम, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम मोदी जी से अपील करेंगे कि जो नोट है ना, उस पर लक्ष्मी जी, गणेश जी की भी होनी चाहिए। सही होता है ही, लक्ष्मी नोट भी लक्ष्मी और लक्ष्मी होनी चाहिए। होनी चाहिए। कुछ बोलोगे क्या? सबसे बढ़िया अरविंद केजरीवाल, आप ये करिए भगत सिंह की लगा दिए, सबसे बढ़िया। और इससे क्या होगा, इंस्पिरेशन मिलेगी जितने भी मतलब वरिष्ठ रोजगार है, वो थोड़ा अपने आप को काम को समझेंगे। मतलब ये समझाएंगे कि उनकी जो बलिदान है वो वेस्ट ना जाए। अच्छा, केजरीवाल अपने ऑफिस वगैरह में तो वो तो लगाते ही हैं, बाबा साहब का एक तरफ भगत सिंह का, कहीं भी जाते हैं वो तो नाम लेते हैं, वो लगाते भी हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि नोट पर लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी गणेश जी के कहते पूजा किया जाता है तो उससे तरक्की होगी। गणेश जी की तो मान सकते हैं, वैसे लक्ष्मी जी तो होते ही हैं नोट के स्वभाव। हाँ, में धन का वो है। हाँ, तो गणेश जी के में भी लगवा सकते हो। हाँ, धन्यवाद। और कुछ? अच्छा, आप क्या थोड़े साइड आ जाइए। क्या कैसे देखते हैं? आपने सुना ये सब? क्या ये सब कह रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो नोट है, भारतीय से नोट था ना, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के जो नोट है, उसमें महात्मा गांधी जी का फोटो छपता है। वो कह रहे हैं उनके बगल में एक तरफ लक्ष्मी जी का, एक तरफ गणेश जी का भी फोटो होना चाहिए। देखो जी, मैं तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये आपने या हमने सबने तो देखा नहीं कि गांधी जी ने क्या करा था। हाँ, अपने टाइम पे। हाँ, कोई कहता है कि गांधी जी ने ये करा, गांधी जी ने वो करा, ठीक है ना, अच्छा काम करा। हाँ, और जिन लोगों ने अच्छा काम किया, नेहरू जी ने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया, उनका उनका तस्वीर में, उनका मतलब नोट में कोई फोटो ही नहीं है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका फोटो ऐसा क्यों नहीं है, जो भगत सिंह हो गए, आजाद सिंह हो गए, हैं जी, गांधी जी का है, गांधी जी ने किया था। हाँ, जो सुभाष चंद्र बोस ने किया, जो बड़े बड़े जो हैं सब, इनका फोटो क्यों नहीं है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ जी। अच्छा, किसका किसका फोटो होना चाहिए आपके साथ? सुभाष चंद्र बोस का होना चाहिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का होना चाहिए। हाँ, जिन्होंने हमारे लिए जो कहते हैं, जो देश देश के अंदर जो चमार जात है, जिनको चार्टअप ये दिलवाया, अपना संभोग दिलाया, भाई एक दिन में गया, दो दिन में गए, उन्होंने हमारे लिए किया, उनका फोटो क्यों नहीं है इसके अंदर? हाँ, गणेश लक्ष्मी जी हैं, वो तो घर में उनको पूछते ही हैं, तो उनको कम से कम ये तो नहीं है कि उनको नोटों पर लगाया जाए, तस्वीर में भी हैं वो, तो मन में भी हैं, तो उनको क्यों, हम जो ये थोड़ी कहते हैं कि उनको भाई नोटों के अंदर छाप दिया जाए। हाँ, जिनका नाम होना चाहिए, जिन्होंने हमारे देश के लिए किया, उनका फोटो क्यों नहीं है? मैं तो इस बात का विरोध कर रहा हूँ। अच्छा, केजरीवाल के काम होते हैं, कहते हैं गांधी जी ने क्या अकेले करा था ये सब कुछ? हाँ, जिन्होंने किया था उनका फोटो में क्यों नहीं नाम है? मैं तो ये चाहता हूँ ना, उनको आना चाहिए जो करके चले गए। नाम तो उन्हीं का नहीं है। हाँ, नाम नहीं है इसका, नाम नहीं है। जिन्होंने काम किया, जिन्होंने देश के लिए काम किया, कई ऐसे हैं जिनका नाम आज इतिहास में भी नहीं है। होना चाहिए उनका, बिल्कुल होना चाहिए। आपको लगता है बोले ये लोग मिस कर रहे हैं, उनको भी रखना चाहिए? मिस कर रहे हैं नहीं, या कर दिए मिस? हाँ, हमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, हमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, और क्या? कैसे लग, क्यों लग रहा है आपको गलत इतिहास? क्यों नहीं, क्या पढ़ने, जैसे क्या नहीं पढ़ना चाहिए आप पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ पा रहे हैं? अब एक चीज बताइए हमें, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हाँ, कहते हैं ना। हाँ, क्या हिंदुओं के लिए सारा तो मुसलमान, बाबर, अकबर, हुमायूं, सब उनके बारे में पढ़ते हैं। हिंदू राष्ट्र कहाँ कहाँ करते हैं? एक मिनट, बाबर अकबर ने क्या किया? हाँ, क्या किया हिंदुस्तान के लिए बताइए? बताइए क्या सोचते हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने क्या किया हिंदुस्तान के लिए? ये तो और उत्पीड़न करके गए, देश को नुकसान करके गए, शासन देश का बिल्कुल देश को बर्बाद करके गए। लेकिन उनका इतिहास में नाम है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनके बारे राजगुरु हैं, सुखदेव हैं। आज के बच्चों को पूछा जाए तो उनका जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, कोई नहीं बता पाएगा। वैसे तो अकबर का भी जन्म मरण नहीं बता पाएंगे लोग, नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। बिल्कुल आप बात सही बोले, आज के टाइम में इतिहास में 10वीं का भी आप SST का हो गया बुक ले लीजिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इनसे ज्यादा तो अकबर पर बीरबल की बातें लिखी हुई, अकबर, हुमायूं और क्या नाम है, इनके बारे में दिया गया है। क्यों? इन्होंने देश को आजाद कराया,
इन्होंने देश के लिए कौन सी कुर्बानी दे दी बताइए? अच्छा हाँ, इन्होंने देश के लिए कौन सी कुर्बानी दे दी जो इनके बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है? आपको लगता है कि जिसे जो बुक में होना चाहिए, अगर जिनको की बात आती है तो नोट पे चंद्रशेखर आजाद का फोटो होना चाहिए, भगत सिंह का फोटो होना चाहिए, जिन्होंने अपने प्राण को त्यागा है उनकी फोटो होनी चाहिए। केजरीवाल कह रहे हैं कि जो मलेशिया है वहाँ पर 85% लोग मुस्लिम लोग रहते हैं, 15% बाकी लोग जिसे हिंदू रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कह रहे हैं कि गणेश जी का फोटो है करेंसी पे, तो उसकी उसकी तर्ज पे इंडिया में भी होना चाहिए। यहाँ पर मेरे को राष्ट्र का नाम याद नहीं आ रहा है, एक जगह है जहाँ उनकी करेंसी पे राम जी की अभी भी फोटो चलती है, तो और आज के टाइम में सबसे ज्यादा उसका अमाउंट है, इंडियन करेंसी क्या डॉलर के मुकाबले में उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो वही सब तो ये बता रहे हैं, वो कह रहे हैं वहाँ पर है तो यहाँ पर ज्यादातर मतलब हिंदू। मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, चलिए आप महात्मा गांधी की बोल दिए ना, पहले जो शेर का निशान था उसको क्यों हटा दिया गया? क्यों हटा दिया गया? सत्यमेव जयते क्यों हटा दिया गया? ये बताइए ना। अच्छा, क्यों हटा दिया गया फिर? ये तो राष्ट्रीय चिन्ह था ना, क्यों हटाया गया इससे नोट से? मैं तो ये बोला कि जो राष्ट्रीय चिन्ह था उसमें शेर का, उसको क्यों हटा दिया गया? कौन हटाया? वही तो पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कौन हटा गया? वही तो पूछ रहा हूँ। तो उसको लगाए ना पहले केजरीवाल, केजरीवाल के हाथ में नहीं है। तो फिर केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी से अपील करते हैं, अभी भी वो चाहे तो नहीं हो पाएगा। अपील करते हैं बात ठीक है, वही तो जो चीज पहले था पहले उस चीज को तो वापस लाए, नई चीजें तो बाद में लाई जाएगी, पहले पुरानी चीजों को मतलब तो पहले आपके हिसाब से केजरीवाल को पहले अपील करना चाहिए कि मोदी जी से वो रन लगवाए, जो चीज पहले है थी उस चीज को तो पहले दिखाए। अच्छा, आप नई चीज लाने की और सोच रहे? ठीक है, गणेश जी लक्ष्मी जी को तो सभी पूछते हैं, कोई वो थोड़ी है, नई बात तो है नहीं, सब पूछ रहे, घर में लोग पूछते हैं, चाहे नोट पे आप छापिए तो भी पूछेंगे, नहीं छापेंगे तो भी पूछेंगे, नोट की तब भी पूजा होती है। अगर नोट पे लक्ष्मी जी गणेश जी का आ गया फोटो तो लोग विरोध करेंगे क्या? कोई विरोध नहीं करेगा, विरोध क्यों करेगा? हाँ। लेकिन जायज में अगर फोटो देखी जाए तो भगत सिंह की होनी चाहिए, चंद्रशेखर आजाद की होनी चाहिए। हाँ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह दिए, राष्ट्रपिता कहाँ से हो गए, पिता कहाँ से बन गए राष्ट्रों का, ये बताइए ना। राष्ट्र के बच्चे है वो भी, इसी राष्ट्र के थे ना, तो पिता कहाँ से हो गए? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ ना, महात्मा गांधी के खिलाफ हूँ, ठीक है, उन्होंने देश के लिए काम किया, देश के लिए असहयोग आंदोलन छेड़ा, ठीक है, वो भी ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से ढंग से किया। अच्छा, लेकिन जिन्होंने प्राण त्याग दिया उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बात है। अच्छा, ये बताइए आपको लगता है कि ये केजरीवाल जी ये सब अपील क्यों कर रहे हैं आजकल, मतलब ये ज्यादा इस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? देखिए, अपील कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, केजरीवाल जी अपील कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन जो जायज होनी चाहिए ना पहले उस पर ध्यान देना चाहिए, पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। आप कहते ये सब जायज अभी नहीं है, फालतू की बात है, ये सब फालतू की चीज है, जो नहीं अच्छा नहीं, क्यों ऐसा क्यों लगा, अच्छा नहीं लगा ना, इसे क्या होगा? नहीं अच्छा नहीं लग रहा है ना, गांधी तो गांधी ही है भाई, नहीं वो कह रहे हैं गांधी के हटाना नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक तरफ गांधी जी रहेंगे उसके दूसरी साइड लक्ष्मी जी गणेश जी को भी रखा जाए। नहीं नहीं नहीं, क्यों गलत है, गांधी जी को रखना चाहिए, बाकी क्या कह रहे हो? गांधी जी को ही रखना चाहिए, तो गांधी जी को हटा नहीं रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि गांधी जी एक तरफ रहेंगे लेकिन साथ में लक्ष्मी जी गणेश जी को भी रखा जाए। कौन कह रहे हैं बात? अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली के। अच्छा जी, हाँ, तो क्या लग रहा है, ये लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? लोग यही सोच रहे हैं कि पागलपंती है, अब एक बार गांधी जी की फोटो लगा दी उसमें लक्ष्मी गणेश, तो लक्ष्मी तो वैसे ही 500 का नोट है बंदे के पास। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि करेंसी जो है भारतीय जो नोट है ना, महात्मा गांधी के बगल में गणेश जी का लक्ष्मी जी की भी फोटो लगानी चाहिए, आप इसमें क्या सोचते हैं? सही है, अच्छा है, लगाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं वो जब से ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ना पहले ये तो पहले ऐसे करते थे, पहले राम मंदिर का विरोध करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है, इनकी सरकार से सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी वाले तो पॉलिटिक्स बात करते हैं बस। हाँ। और बाकी कुछ नहीं है, लगाना चाहिए भगवान का फोटो तो लगाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बस इनके काम काज को कैसे देखते हैं? सही है, चल रहा है, बढ़िया, ठीक ठाक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये काम काज अच्छा कर रहे थे, अब ये भी बीजेपी की तरह धर्म में उलझ जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार चल रही है बढ़िया, ठीक ठाक, पब्लिक खुश है, जनता खुश है। अच्छा, यही चाहिए। तो गुजरात में क्या होगा इधर? गुजरात में तो देखते हैं क्या होता है। चलिए खा लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काम काज को कैसे देखते हैं? उनके काम काज में काफ़ी, मैंने अभी तक जो देखा है जितने भी CM बने दिल्ली के, जो मेरी एज है इस हिसाब से जो भी मैंने देखा है, उसमें केजरीवाल जी ने काफ़ी अच्छा काम करा है। और हर स्कूल, हर हॉस्पिटल, इनमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और हम बिजली के बिल, पानी का बिल उन्होंने काफ़ी हद तक माफ़ करा है। और बिजली का बिल 200 यूनिट के बाद बिल पे करना है,
और हर बस में एक गार्ड बिठा देना सिक्योरिटी के तौर पे, उससे क्या हो है गर्ल्स भी सेफ हैं और हर स्टैंड पे पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं इसलिए कि लड़कियां सेफ रहें आजकल जैसा माहौल है। अच्छा ये तो होगी दिल्ली की बात ना, केजरीवाल लगातार मेहनत कर रहे हैं गुजरात में जी, कह रहे हैं कि इस बार गुजरात में हमारी सरकार आएगी, तो दिल्ली वाले क्या सोचते हैं कि वहाँ पर कुछ चांस बन रहा जी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, दिल्ली वालों ने जो काम केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो काम करा उस हिसाब से मैं तो चाहता हूँ कि हर स्टेट में हर राज्य में केजरीवाल जी को जाना चाहिए। हर और मैं तो चाहूँगा कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर भी केजरीवाल जी बने। अच्छा मोदी जी के काम को कैसे देखते हैं? मोदी जी अब मोदी जी भी गलत तो कहा उनको भी नहीं जा सकता क्योंकि देश इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ वो करते हैं वो सही होता है, लेकिन दिल्ली की बात नहीं, हमारे सीएम तो केजरीवाल जी होने चाहिए और मैं चाहूँगा गुजरात में आप जो इस इलेक्शन के बारे में कह रहे हैं तो केजरीवाल जी आने अच्छा आपके हिसाब से गुजरात